नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 AM देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस पटना लौटेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अब से थोड़ी ही देर के बाद नीतीश कुमार वापस दिल्ली से पटना लौटेंगे। नीतीश पिछले कई दिनों से दिल्ली में थे और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसके बाद अब वो वापस पटना लौट रहे हैं। तो पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे और शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद अब वापस से सीएम पटना लौट रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, क्या जानकारी, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं पटना? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो फ्लाइट है यूके 717 जो है, उससे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचेंगे। दिल्ली में जो है वो 5 तारीख को गए थे। 5 तारीख को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 10:30 बजे सुबह को जो है यहां से गए थे और जो है दिल्ली के लिए जो यहां से रवाना हुए थे। 5 दिनों का, यानी जो अगर 5 तारीख से तिथि को जोड़ा जाए तो आज जो वो वापस आ रहे हैं 4 दिन का जो है ऐसे, और 1 दिन यात्रा के दौरान, यानी 5 दिनों का समय जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिताया है और 5 दिनों के बाद वह बिहार लौट रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये पूरा जो समय रहा दिल्ली में, बहुत कुछ बातें हुई, बहुत चर्चाएँ हुई। चर्चाएं ये भी हुई कि क्या एनडीए सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कुछ स्टैंड होगा, क्योंकि जो मैंडेट का जो आंकड़ा था बीजेपी के पास नहीं था सरकार बनाने के लिए, मगर जो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो है बीजेपी को जो है इस बार मजबूर होना पड़ा और एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों लोग जो है सहयोगी के रूप में है। निर्दलियों का भी समर्थन अब मिला है, मगर पहले ये दो दलों के जो नेताओं की सहमति जो सामने आई, इसके बाद सरकार बन गई। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बिहार से जो है 8 जो चेहरे हैं सांसद के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जिसमें राज्य मंत्री और 4 कैबिनेट मिनिस्टर जो है केंद्रीय मंत्री के रूप में जो है वो चुने गए हैं। अब नीतीश कुमार जो है ये पूरी प्रक्रिया कराने के बाद जो है पटना पहुंचे। प्रधानमंत्री की जो कही जा सकती है बैठक हुई थी, संसदीय दल की बैठक हुई थी, एनडीए की जो बैठक हुई थी, उन तमाम चीजों में मुख्यमंत्री का जो एक पॉजिटिव इंडिया के एनडीए गठबंधन के प्रति जो उनका जो जो बात रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो उन्होंने अपनी बातों को रखा, लोगों ने सुना, देश ने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना और बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा जो है नीतीश कुमार के इस कदम का जो है एनडीए ने किया और तमाम सहयोगी दल जो है उनके तरफ से जो है इन विषयों को लेकर सहमति जताई उन्होंने और नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। क्योंकि देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो ऐसे चेहरे थे, अगर इनकी सहमति एनडीए को नहीं मिलती तो सरकार एनडीए की नहीं होती, इसमें कोई दूसरा आंकड़ा नहीं साबित हो पाता और सटीक नहीं बैठ पाता, क्योंकि संख्या बल जो थी वो कम हो जाती। मगर नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर, जिस तरह से उन्हें बार बार कहा जाता है बिहार की जो कही जा सकती है एक भूमिका है, वो वहां पर दिखी और नीतीश कुमार ने उन चीजों को बिल्कुल गौतम, और वाकई में जेडीयू ने बेहतर प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया और यही वजह है कि नीतीश कुमार अब आगे बिहार को कैसे विकसित किया जाए, खास करके विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग उठती रही है, इसे लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में भी प्रमुखता से अपनी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखा, जो हम सबने सुना। तो उम्मीद इस बात की भी है कि आज जब वापस पटना लौटेंगे सीएम और मीडिया से बातचीत करेंगे तो बहुत कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा। और देखिए रश्मि, एक बहुत ही बेसब्री से जी, मैं शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि पूरे बिहार के लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या क्या कुछ स्टैंड रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जो कही जा सकती है कि इच्छा जाहिर की और एनडीए को समर्थन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जो कहा जाता है इतिहास जो रचा है लगातार बनने का, वो कल देश के लोगों ने देखा। नीतीश कुमार की बहुत प्रशंसा जो है बीजेपी के नेताओं ने की, क्योंकि नीतीश कुमार का एक जो हाथ था वो एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण जो है सहयोगी दल के साथ रहा। नीतीश कुमार का ये सहयोग एनडीए भी समझ रहा है, बीजेपी भी समझ रहा है कि कितना जरूरी था। अगर यह सहयोग नहीं मिल पाता तो गठबंधन के जो और भी दल थे उसके साथ जो है इंडिया
गठबंधन की सरकार बनाने की जो कोशिश हो रही थी शायद उसमें सफलता मिल भी सकती थी, ये भविष्य की बातें हैं या जो वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें ये बातें नहीं कर चुकी, क्योंकि सरकार बन चुकी है। मगर नीतीश कुमार ने ये जो है अपनी बातों को रखा और कहा कि हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे। विकास को लेकर जो है एनडीए का जो चेहरा है नीतीश कुमार के साथ, जो कहा जाता है कि जनता ने जो है इस चुनाव में 12 सांसदों को जो है चुन कर दिया, 12 बीजेपी के सांसदों को चुन के या 5 चिराग के जो है सांसद चुने गए, साथ ही साथ जीता राम मांझी वो जो है अपने पार्टी से चुने गए, यानी जनता ने भरोसा किया बिहार पर और बिहार के लोगों को अब केंद्र की सहायता इसलिए जरूरी कि बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पर कहा जा सके संसाधनों की जो जरूरत होती है या जो कहा जा सके जो व्यवस्थाएं हैं वो अन्य राज्यों के तहत नहीं है, चाहे वो डॉकयार्ड हो, समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हो या जो कहा जाता है खनिज से भरे हुए राज्य हैं, वैसे स्थिति बिहार में नहीं। यहाँ पर आपदा की स्थिति बहुत ज़्यादा है, नेपाल से अगर बाढ़ का पानी छोड़ा जाता है तो बिहार डूब जाता है, बिहार का एक बहुत बड़ा जो इलाका है वो बाढ़ग्रस्त के इलाका आ जाता है और आपदा की जो स्थिति होती है बिहार सरकार को बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ता है। वहीं अगर सूखी की स्थिति बिहार में हो जाती है तो वहाँ भी राज्य सरकार को किसानों की मदद के लिए जो है एक बड़ी राशि जो है आवंटित करनी जाती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार को विदेश राज्य का दर्जा मिले ताकि बिहार में जो है विकास की गति कहीं ना कहीं अभी तक पूर्ण रूप से जो है स्पीड नहीं पकड़ी है, धार नहीं पकड़ी है, वो जो है सहयोग हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये मांगे लगातार चलती आ रही है और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को लेकर एक बहुत कड़ा फैसला, मैं उदाहरण के रूप में इसलिए बता रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर कई तरह की बातें हुई, चाहे वो पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, जीतनराम मांझी हो या बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से इस विषय पर सवाल उठाया गया, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया गया शराबबंदी कानून को लेकर, मगर नीतीश कुमार ने इस बात को समझा कि बिहार में शराबबंदी का क्या कुछ फायदा है और अभी तक वो उन्होंने एक बात को कहा कि जब तक मैं रहूंगा सरकार में तब तक ये कानून नहीं बदलेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कानून को, यानी जो नीतीश कुमार जनता के लिए या जो इन विषयों को समझते हैं कि क्या कुछ इससे फायदा होगा उस पर जो है अडिग उनका जो फैसला होता है देश के लोग भी वो देख रहे हैं और राज्य की जनता जो है लाभान्वित हो, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े ऐसे कम हुए हैं जो शराब के बाद जो घटनाएं होती थी जिसमें लोगों की मृत्यु होती थी या जो कलह या जो माहौल वातावरण खराब होता था या जो लोगों में जो है तनाव या हिंसा होती वो चीजें कम हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चीजों को समझ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कितना जरूरी है, तो इन विषयों पर जो है उन्होंने बातों को जरूर रखा होगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार इन चीजों को समझ रहे हैं कि इस बार बिहार को ये जो मांग लगातार कई दशकों से उठ रही है इसे पूरा करने का ये महत्वपूर्ण समय है और केंद्र के सहयोग से ही जो है इसे पूरा कर देते हैं। अब केंद्र में जो सहयोगी दल के रूप में भी हैं और एक महत्वपूर्ण दल की भूमिका में है नीतीश कुमार, तो केंद्र सरकार को भी अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार की इन बातों को जो है वो कैसे लेती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बातों को अपनी चुनावी सभा में जो 14 या 19 के समय जो विशेष राज्य के विषय पर जो उनका भाषण हुआ था उसमें उन्होंने इन चीजों को समझा था कि जरूरत है बिहार के लोगों को, तो ये चीजें जो है अब महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि कैबिनेट में तो जो है मंत्रियों को जो दो मंत्रियों को मौका मिला है रामनाथ ठाकुर हो या ललन सिंह हो इन दोनों को तो मिला ही है और कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, और बिहार से 8 सांसद जो है एक बड़ी संख्या है, 8 सांसदों की संख्या जो बिहार से है जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और केंद्र की कई सारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर उतारने में ये मंत्री जो है काफी कारगर होंगे और इन चीजों को केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे कि ये समस्याएं जो है इस योजनाओं से जुड़ी हुई या क्या कुछ लोगों को जरूरत है जो इस बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने में जो है कारगर होगा, तो एक बड़ी जो कही जा सकती है एक नीतीश कुमार की लड़ाई रही और नीतीश कुमार बहुत ही सधे हुए तरीके से बहुत ही जो है सामान्य रूप से अपनी किसी भी विरोधाभास जिस तरह से जो विरोध विपक्ष ने किया उन तमाम चीजों पर ध्यान ना देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रखा और लोग भी इन बातों को भरोसा करते हुए उन्होंने समझा कि कौन उनके लिए काम करेगा। नीतीश कुमार का जो शासन काल रहा 15 से लेकर अभी 24 यानी अब 20वें साल में नीतीश कुमार का जो है शासन काल जाने जा रहा है, तो बिहार के लोगों ने देखा है कि बिहार में किस तरह से 20 साल के समय में जो है उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जो है बिहार का सफर तय किया है, बिहार में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में काम हुए और किन क्षेत्रों में काम होना बाकी है जो नीतीश कुमार के माध्यम से किया जा सकता है, और ये बात ये भी स्पष्ट हो चुकी है कि नीतीश कुमार को लेकर जो बातें बीच में चल रही थी क्या नीतीश कुमार आने वाले 25 में राजनीतिक संन्यास ले लेंगे या अपना जो है ये उत्तराधिकारी किसी को बनाएंगे, मगर अब फिर से नीतीश कुमार की जो एक लोकप्रियता सामने आई जिस तरह से एनडीए को सरकार बनाने में एक नीतीश कुमार की भूमिका रही, 12 सांसदों का जो है एक बड़ा समूह बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया, तो एक बात अब साफ हो चुकी है कि एनडीए में जो है बिहार में नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार होंगे। इन बातों पर तमाम बातों पर विराम लग गया या जो विपक्ष
के लोग या पक्ष के लोग या सहयोगी ये तमाम बातों को कहते थे कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जो है अब राजनीति जो है अब वो विराम लग जाएगा, मगर 25 में भी जो है अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार जो है लोकप्रिय है और ये लोकप्रिय नेता जो है बिहार के लोगों को पसंद है। तो नीतीश कुमार जो है आज पटना पहुंच रहे हैं और ये पूरा जो 5 दिनों का सफर दिल्ली में उन्होंने जो बिताया है, मंत्रिमंडल के शपथ तक का जो पूरा जो समय दिया, तमाम चीजों पर बातें हुई हैं और तमाम चीजों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष राज्य के दर्जे पर जो है बिहार की जनता से उन्होंने जो वादा किया था या जो इस विषय पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है या जो मांग रखी है उस पर जो है आने वाले समय में क्या कुछ फैसला होगा। तो रणनीतियां जो है बन चुकी है मगर उस पर जो है पर्दा उठेगा आने वाले समय में और इंतजार लोगों को इन बातों को बहुत ही बेसब्री से है कि आने वाले समय में बिहार को क्या कुछ और खास मिलता है नीतीश कुमार के प्रयास से। बिल्कुल गौतम, और यही वजह है कि इंतजार किया जा रहा है सीएम के पटना पहुंचने का। देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। गौतम आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली से वापस पटना लौट रहे हैं और पटना में एयरपोर्ट पर सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा।